नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जीएस 2 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हिडन हंगर के बारे में। ये जो टॉपिक है वो जीएस 2 का सिलेबस इश्यूज जो संबंधित हैं पॉवर्टी एंड हंगर उससे जुड़ा हुआ है। हम पहले हिडन हंगर के जो डिफिनीशन है उसको देखेंगे, इसके बाद इसके हिडन हंगर के पीछे क्या क्या कारण हैं, काउजेज, उनको समझेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है वो देखेंगे। कुछ डाटा भी हम देंगे आपको जो आप अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हिडन हंगर होता क्या है। हिडन हंगर इज़ क्रॉनिक लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल, मतलब कि आपकी बॉडी में जब लंबे समय तक विटामिन और मिनरल की कमी होती है तो उसको हिडन हंगर कहते हैं। इसका कोई पूर्व अनुमान नहीं होता, कोई पहले कोई साइन नहीं आता कि आपके बॉडी में ये परिवर्तन होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आता, इसी कारण से लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो हिडन हंगर के शिकार हैं। मगर समस्या तब होने लगती है जब आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आपके जो आँख की रोशनी है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, शरीर का जो स्किन है उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, तब हमें लगता है कि कभी कुछ कहीं कुछ गड़बड़ है। ये जो हिडन हंगर है, इसी कारण से आपका जो मानसिक विकास है, बच्चों का मानसिक विकास है, उस पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपको थकावट लगती है, आँख भारी लगता है, आपकी जो उत्पादकता है उसमें कमी आती है, आप ढंग से काम नहीं कर पाते, आपका काम करने में मन नहीं लगता। इसी कारण से क्रोनिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ लंबे समय तक आपको प्रभावित कर रही है, इसको हम कहते हैं क्या है, हिडन हंगर, ठीक है ना। इट इज़ क्रोनिक लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल, सिंपल सा डेफिनेशन ये है। कुछ डाटा देख लेते हैं। अनीमिया हमारे देश में बच्चे और महिलाएँ दोनों को प्रभावित करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 58% बच्चे एनेमिक हैं। आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये एग्जैक्ट डाटा याद ना हो, आप क्या कहेंगे, आप अपने आंसर में लिखेंगे कि मोर देन 50% ऑफ आवर चिल्ड्रेन आर एनेमिक, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोर देन 50% में 58% तो आ ही गया। उसी तरह से जो महिलाएँ हैं वो 53% महिलाएँ एनेमिक हैं, अनीमिया के शिकार हैं। जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनमें 35% अंडरवेट हैं, मतलब कि 1/3 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनका वजन उनकी हाइट के मुताबिक नहीं है, उनकी उम्र के मुताबिक नहीं है। तो ये सब क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारे बच्चे और महिलाओं के शरीर में पोषक तत्व की कमी है, न्यूट्रिएंट उनकी कमी है। ज़्यादातर अनीमिया के केसेस आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है। हमारी आंगनबाड़ी में आयरन की गोलियां दी जाती हैं मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं होता, कतराते हैं आंगनबाड़ी में जाने से। महिलाओं को कैल्शियम का, आयरन का, ये सब का टैबलेट दिया जाता है, अब बहुत से लोग उसको लेते नहीं हैं। आपको जो विटामिन सी की गोलियाँ होती हैं वो भी दी जाती हैं चॉकलेट के फॉर्म में, वह भी नहीं लेते लोग। क्या कारण है हिडन हंगर का, हम वो देखते हैं। सबसे पहला कारण है पुअर डाइट, आपका आहार है वो बैलेंस्ड नहीं है, आप मोटा मोटी चावल और गेहूं ही खाते रहते हैं, चावल और रोटी ही खाते रहते हैं। जो विटामिन है, मिनरल है, इसके लिए सब्जियां, मौसमी फल, ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं, आप उसको नहीं लेते, ठीक है ना। तो कई सारे कारण हैं, एक तो पैसा है तब नहीं है, अगर गरीबी है वो भी समस्या है कि गरीबी के कारण आप मीट, अंडे, मछली, दूध, दूध के प्रोडक्ट, फल, सब्जियां, इन सब का सेवन नहीं करते, इन सब को आप कंज्यूम नहीं करते, इसी कारण से आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जिसकी जिस पोषक तत्व की हमको ज़रूरत कम अमाउंट में पड़ता है। अगला है लैक ऑफ अवेयरनेस, पैसा हो जाता है कभी कभी मगर ज्ञान नहीं होता, जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं है, कभी कभी जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती, तो इसी कारण से वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस भोजन का उपयोग, उसका सेवन नहीं कर पाते।
चौथा है हमारे यहाँ जो खान पान है वो ज़्यादातर हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं एरिया में चावल ज़्यादा खाते हैं, कहीं कहीं एरिया में रोटी ज़्यादा खाते हैं, कहीं पर कोई सब्जी ज़्यादा फेमस होती है वो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पीयर प्रेशर, दोस्त यार के साथ बाहर जाएंगे तो मतलब पौष्टिक भोजन तो करेंगे ही नहीं, चिल्ली चाउमीन पर निर्भर रहेंगे, वरना जो इमेज कैसे बनेगी। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सीजनल फैक्टर, ये सभी कारक इम्पैक्ट करते हैं हमारे आहार को, हमारे भोजन को। अब आपको ये पता चल गया, ठीक है ना, कि आपके पास चार कारण हैं। आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो आप उसको इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। आपको पता है ना कि आंसर राइटिंग में डायग्राम वगैरह बनाना होता है, तो चुपचाप तीन डायग्राम तो कम से कम यहाँ पर बना सकते हैं। पहला इस तरह का बना दीजिए, पुअर डाइट, ये लिख दीजिए, पॉवर्टी, ये लिख दीजिए, अवेयरनेस। क्या ये डायग्राम ज़्यादा जरूरी है? यहाँ पर लिख दीजिए हिडन हंगर, हिडन हंगर। तुम बताओ ये डायग्राम बनाने में मुझे कितने सेकंड का समय लगा, मगर आपने जब ये डायग्राम अपने आंसर में बना दिया तो आपका आंसर बाकी लोगों से अलग हो गया। जैसे ही आपका आंसर बाकी लोगों से अलग हो गया, आपको एबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे और आप मेंस क्वालिफाई करने के नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये जो डायग्राम बनाना है ना, ये प्रैक्टिस का काम है, ये नहीं कि सर ने फटाक से बना दिया। प्रैक्टिस करी जाती है, सोचा जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे डायग्राम बनाऊँगा। आपने डायग्राम एक बार बना लिया, फिर आगे आप आराम से बना पाएंगे। चलो अब हम आते हैं समाधान पर कि हिडन हंगर को हम लोग दूर कैसे करें। सबसे पहला है बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप। चलो आप चावल खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका रोटी है उसको खूब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ना हम लोग चावल में ही विटामिन और मिनरल मिला दें, क्यों ना हम लोग गेहूं में ही विटामिन और मिनरल मिला दें। अगर ये विटामिन और मिनरल हम लोग सीधे पौधे के ज़रिए इस क्रॉप में पहुंचाते हैं, उसको हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग पौधा ही ऐसा लगाएंगे जो पोषक तत्वों से भरपूर अनाज देगा। मतलब चावल में ज़्यादा विटामिन होंगे, गेहूं में ज़्यादा मिनरल होंगे, इसको हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि पौधे में, मतलब एक ऐसा हाइब्रिड पौधा बना दिया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके ऐसा पौधा बना दिया जो ज़्यादा पोषक तत्व वाला अनाज हमको देता है। दूसरा होता है फूड फोर्टिफिकेशन। दोनों में अंतर समझो, बायो वाले में हमने पौधे में ही बदलाव कर दिया था, मगर फूड फोर्टिफिकेशन में हमारा अनाज का दाना होगा ना, जो हम आटा जो बना रहे हैं, चावल जो हम बना रहे हैं, उसमें हम बाहर से माइक्रोन्यूट्रिएंट जोड़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में छिड़केंगे, जैसे कि जिंक फोर्टिफाइड वीट, गेहूं में हम लोगों ने जिंक मिला दिया, बाजरा में हमने जो आयरन है वो, ये नहीं कि वो रेती से रगड़कर लोहा डाल दिया, ऐसा नहीं, बाजरा में हमने जो आयरन है उसको मिला दिया। आपने आयोडीन वाला नमक का नाम सुना होगा, है ना, तो हमने आयोडीन में, सॉरी, जो नमक है NaCl, ये होता ना नमक, NaCl में हमने आयोडीन मिला दिया, जिससे आपको ये वाला न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। अगला क्या है, हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, शिक्षा फैलाएंगे, बताएंगे कि आप अपने गांव में ही हो रहे जो खाद्यान्न है, आप में गांव में ही उपज रही सब्जियां और फल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पोषक तत्व तो बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में। ये नहीं, देखो, बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ करके स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं और महंगे महंगे चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है ना। जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं जो आपके लोकेलिटी में मिलती हैं, उसको आप इस्तेमाल करके स्वास्थ्य है उसको बढ़ा सकते हैं। PDSA फॉर्म, हमारे यहाँ जो फेयर प्राइस शॉप होता है वहाँ पर हमको स्टेपल फूड के अलावा जो दलहन है वो दिया जाना चाहिए, जो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सैनिटेशन और हाइजीन, ये भी एक बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा हिडन हंगर दूर हो सकता है। अब ये बताओ यहाँ पर हम कौन सा जो डायग्राम बना सकते हैं, कम से कम एक ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं, जहाँ पर एक जगह पर हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन लिख दो, एक जगह पर
बायो फोर्टिफिकेशन लिख दो और दूसरी का पर हम लोग यहां पर अवेयरनेस ये लिख दो, ठीक है ना सर। अगर हमको चार पॉइंट याद रहा तो स्क्वायर बनाइए ना, चुपचाप स्क्वायर बना दीजिए इस तरह से, एक कोने पर फूड, एक कोने पर बायो, दूसरे कोने पर अवेयरनेस, चौथे पर पीडीएस, पीडीएस रिफॉर्म, ये डाल दो, हो गया। चार पॉइंट हो तो स्क्वायर बनाएंगे, तीन पॉइंट हो तो ट्रायंगल बनाएंगे और फटाक से डायग्राम बना करके अपने आंसर में आगे बढ़ जाएंगे। आंसर राइटिंग में यही करना होता है, टॉपर की कॉपीज देखेंगे ना, आपको यही सब मिलेगा, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। यहां पर आपको मैंने बताया है कि क्या समस्याएं होती हैं हिडन हंगर के कारण। जो बूढ़े लोग हैं उनका मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, चूंकि शरीर में पोषक तत्व की कमी है तो उनका इम्यूनिटी घट जाता है, उनको बीमारियां जल्दी लगती हैं। बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम रहता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका वजन कम होता है। माता में आहार की कमी, उनमें न्यूट्रिशन की कमी, ये भी एक बड़ा कारण है। मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। अगर आयोडीन की कमी है तो घेंघा रोग हो जाता है। बच्चे में स्टंटिंग, मेंटल कैपेसिटी का रिडक्शन, इन्फेक्शन, वो ठीक से समझ नहीं पाता, चीज़ें सीख नहीं पाता, मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, एडल्ट हैं, एडोलेसेंट हैं, उन सभी में, जो किशोर किशोरी हैं, उन सभी में इससे प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो भी समझ लिया कि क्या चीज़ें होती हैं अलग अलग लोगों में। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए सवाल दे रहा हूँ। 15 मार्क्स का सवाल है, 250 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। हिडन हंगर इज रियल काउज ऑफ वरी इन इंडिया, डिस्कस कीजिए। हाउ कैन वी टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर इन द कंट्री, आपको इसका आंसर लिख करके इस टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। टेलीग्राम पर जाइएगा, क्रैकर साइंस एकेडमी नाम सर्च कीजिएगा या फिर ADSUMANT ये सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपने आंसर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। इस क्वेश्चन के दोस्तों के साथ अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।